खबर सुना चल के सभी साथियों का स्वागत है। आज हमारे साथ बिहार भाजपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष टीटू गढ़वाल जुड़ गए हैं। आज बात मुलाकात में हम बात करेंगे किशनगंज विधानसभा क्षेत्र की और किशनगंज जिले की राजनीति की। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होगी टीटू गढ़वाल से कि उन्होंने राजनीतिक में कैसे अपना योगदान दिया और भाजपा के लिए अब तक जिले के लिए क्या कुछ किया। सबसे पहले तो सर स्वागत है हमारा आपके चैनल। धन्यवाद। बहरहाल सर, कोरोना संकट काल में आपने हमको समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आप लोगों का भी कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के हमसे मिलने की चेष्टा की और आज आप हमारे साथ बैठे हैं कुछ बात करने के लिए, कुछ सवाल जवाब पूछने के लिए। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करने से पहले सर, सबसे पहले तो हम लोग या हमारे व्यूवर से जानना चाहेंगे या फिर आप अपना परिचय खुद से दे दें, आप कहाँ तक इब्तदाई तालीम हासिल की है और चूँकि राजनीति की बात आती है तो आपने राजनीति में कैसे अपना रुचि खोला। मैंने मारवाड़ी कॉलेज से प्लस टू तक पढ़ाई की है। प्लस टू करने के बाद मैं फादर के साथ अपने कारोबार में लग गया था। पढ़ाई में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं थी, इसलिए मैं अपने फादर के साथ में कारोबार में लग गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार बनी जी, तो पूरे हिंदुस्तान में उस समय एक स्वर्ण युग के रूप में उसको देखा जा रहा था और बहुत वाजपेयी जी से परिचित होकर, उनके सिद्धांतों को पढ़कर, उनके सपनों को जानकर मैं भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुआ। जी जी। पिछले 15 साल से मैं पार्टी में हूँ और 15 साल से सामाजिक कार्यों में कहना नहीं चाहिए, 15 साल से मेरा एक ही मकसद रहा है, सिर्फ गरीबों की मदद। जी। कोई आदमी आपके पास आ जाए, वो किसी धर्म से ताल्लुक रखता हो, अगर अल्लाह ने आपको पैसा दिया है तो कुछ हिस्सा उसका भी है, उसकी मदद होनी चाहिए। जी। इसी को बेस बनाकर मैं आगे बढ़ता रहा। बहरहाल सर, कारोबारी से सीधे राजनीतिक में कदम रखना तो कहीं ना कहीं सफर की शुरुआत जो है काफी इंटरेस्टिंग हुई होगी, तो पहली जो आप राजनीतिक में सफर की शुरुआत की वो कहाँ से की? मैं सक्रिय सदस्य बना पार्टी का। जी। उस समय पर्चा कटाना पड़ता था। अभिनव मोदी जी वो हमको राजनीति में लेकर आए, उन्होंने हमको समझाया, बताया। अभिनव मोदी जी के साथ में मैं पार्टी में कार्यरत रहा। जी। पिछले विधानसभा में कोचादामन प्रभारी भी रहा, दावेदारी भी मेरी रही। लोगों का रुझान, यहाँ की समस्याओं, युवा पीढ़ी का पलायन, बेरोजगारी, एक भी इंडस्ट्री ना होना, सिर्फ बातें होना, काम के ऊपर में किसी का ध्यान नहीं है, सिर्फ बात है, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हम अपने इस किशनगंज जिला के लिए, अपने किशनगंज विधानसभा के लिए कुछ मन में जज्बा था करने का। तो आप किसी का मदद तब कर सकिएगा जब आप किसी अच्छे ओहदे पर रहिएगा, आप विधानसभा जीत जाइए, लोकसभा जीत जाइए, जब पावर में रहिएगा तो आप किसी की मदद कर सकते हैं, अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं, अपने लोगों की आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। इसी को लेकर मैं आगे बढ़ता रहा धीरे धीरे धीरे। पिछले 3 साल पहले मैं प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा में बना, इस बार दोबारा मुझे उस पद पर नियुक्त किया गया। पार्टी कुछ देखी हमारे अंदर, समझी, तभी मुझे दोबारा से उस पोस्ट पर नियुक्त किया गया है। चलिए सर, बहरहाल बात करेंगे अब हम विधानसभा चुनाव की, क्योंकि आने वाला विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां अब धीरे धीरे तेज होने लगी है, ऐसे में क्या कुछ तैयारियां है आपकी पार्टी? देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि पिछले 15 साल से मेरा एक ही मकसद रहा है, गरीबों का मदद, चाहे मंदिर का मामला हो, चाहे मस्जिद का मामला हो। कोई आदमी ये नहीं बोल सकता है, मेरे ऊपर में उंगली नहीं उठा सकता है कि मैंने उनकी मदद नहीं की। और तैयारी उन लोगों को होती है ना, उन लोगों को तैयारी करना पड़ता है जो समाज से जुड़े नहीं हैं, पैसा लेके आए हैं, चुनाव लड़ना है, पैसा मैदान में फेंकना है और चुनाव जीत जाना है। हमारी तैयारी पिछला 15 साल से है और डेली की तैयारी है, 24 घंटे की तैयारी है।
जब पार्टी टिकट देगी, जिस दिन पार्टी का ये ऐलान हो जाएगा कि चीटू बडवाल हमारे प्रत्याशी हैं, मुझे तैयारी करने की जरूरत नहीं है, मैं जीतूंगा इंशाल्लाह 100% जीतूंगा। तो बहरहाल कहीं ना कहीं आप भी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो आप अगर दावेदारी पेश कर रहे हैं, आपको अगर पार्टी यहाँ से प्रत्याशी के रूप में उतारती है, तो आपका पहला मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे पर और किस आधार पर जनता से वोट मांगेंगे? देखिए, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है जो मैं बचपन से देखता आया हूँ, इस सीमांचल में पैदा हुआ, यहाँ पटुआ जो है वो हमारा सबसे मुख्य खेती था, और आज हम पटुआ से समझिए बिछड़ गए हैं। किसान सबसे ज़्यादा परेशान अगर कोई है तो किसान है, और कोई लोग परेशान नहीं है। किसानों को पाट का सही दाम ना मिलने के कारण उन्होंने अपनी खेती को मक्का में तब्दील कर लिया, कुछ लोग चाय बगान लगा लिए, लेकिन और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो पाट की खेती है ये बरसात में भी ख़राब नहीं होता है, पटुआ में जितना पानी लगेगा वो उतना अच्छा होता है। कुछ समय पहले यहाँ परेशानी थी कि पाट धोने के लिए पानी का बहुत दिक्कत था, अब वो स्थिति नहीं है। अब पानी पिछले 10 साल पहले का मौसम वापस लगता है, किसानगंज रिटर्न आ गया, पानी भरपूर हो रही है यहाँ पे। तो पटुआ का दोबारा से हमारे किसानों के बीच में प्रचलन बढ़े, वो खेती करें, पटुआ के वजह से सीमांचल जाना जाता था, और पाट की अच्छी खरीदारी, अच्छी कीमत उनको मिल सके सरकार के द्वारा, बिचौलिए के द्वारा नहीं, सरकार के द्वारा। और कोशिश ये रहेगी कि एक जूट मिल जी किशनगंज में खुले, खुल सकता है, करने वाले लोग होने चाहिए, पब्लिक आपके साथ है, पब्लिक के साथ अगर आप मिलकर धरने पे बैठ जाइएगा तो बड़ा से बड़ा चीज उपलब्धि हासिल हो जाती है, करने की जरूरत है। तो मेरा मेन मकसद बस पटुआ है यहाँ पे, कि मैं फिर से किशनगंज में अपने किसान भाइयों को पटुआ की खेती करते हुए देखना चाहता हूँ। तो बहरहाल आप इस पटसन की खेती का लुप्त हो जाना, खास करके सीमांचल में, ये आप किसको जिम्मेदार ठहरा है? देखिए, यहाँ के जो सांसद रहे, विधायक रहे, उनका काम है कि यहाँ की लोगों की जो परेशानियाँ हैं उसको विधानसभा लोकसभा में रखना। सरकार अपना नुमाइंदा देता है हर जिले में, हर विधानसभा में, उनका काम है कि यहाँ की स्थिति को विधानसभा लोकसभा में रखना, डिमांड करना कि हमें ये चाहिए अपने जिले के लिए। तो ये जिम्मेदारी सांसद की है, अगर अच्छे सांसद नहीं है तो आप बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिनसे आप महरूम लग जाइएगा, जो लोकसभा में बैठकर पारित होता है। कुछ चीजें विधानसभा से पारित होती हैं, बहुत बड़ा इंडस्ट्री विधानसभा में लगाना संभव नहीं है, विधानसभा के द्वारा पारित होना भी संभव नहीं है, सरकार का अपना कुछ नीतिगत योजना रहता है, लेकिन विधानसभा में सड़कों का निर्माण, हॉस्पिटल का निर्माण, स्कूल का निर्माण, मदरसों का निर्माण, उनमें नियुक्त शिक्षकों का वेतन समान वेतन सबको मिले, रोजगार बच्चों को मिले। अगर मान लीजिए स्कूल में टीचर नहीं है, उसकी शिकायत, उसकी आवाज़ विधानसभा में उठाई जाए, डॉक्टर्स नहीं है, उनकी आवाज़ विधानसभा में उठाई जाए, तो ये सब छोटी छोटी समस्याएं जो है दूर हो सकती है, जो कि विधानसभा में जो विधायक बनते हैं उनका काम है। तो कहीं ना कहीं आप जो है यहाँ के चुने गए नुमाइंदों को उनके कामों को फेलियर मानते हैं? नहीं, मैं सभी के बारे में ऐसा नहीं कह सकता हूँ। किशनगंज जिला पूरे बिहार में सबसे अति पिछड़ा जिला माना जाता है, और किशनगंज जिला में पोठिया शिक्षा के मामले में सबसे पीछे है। टेढ़ागाछ एक ऐसा जगह है जहाँ पहले लोग काला पानी बोलते थे, वो काला पानी है, तीन साइड से नेपाल है, एक साइड से कनकई नदी बहती थी, उस समय रामपुर में ब्रिज भी नहीं बना था, लेकिन वहाँ भी शिक्षा का स्तर पोठिया से ज़्यादा है। तो क्या कारण है? कांग्रेस का गढ़ रहा किशनगंज विधानसभा पोठिया, और यहाँ ना तो अच्छा शिक्षा है, ना अच्छी सड़कें हैं, गाँव गाँव में आप चले जाइएगा तो अच्छी अच्छी सड़कें देखने के लिए आपको तरस जाना पड़ेगा।
तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की फेलियर है। अच्छा। जो अपनी आवाज को बुलंद नहीं करते हैं कहीं पे। पब्लिक का डिमांड विधानसभा में रखना, पब्लिक के लिए विधानसभा में आवाज उठाना, ये विधान पार्षद उसके बाद आपको जो सांसद होते हैं उनका काम है, पब्लिक जाके हल्ला नहीं ना करेगा। चलिए, जब आप किशनगंज विधानसभा क्षेत्र की बात ही कर रहे हैं तो किशनगंज विधानसभा में पिछले 3 मरतबा से जो है बीजेपी अपना जो प्रत्याशी स्वीटी सिंह है उन्हें उतार रही है और वो 3 मरतबा से लगातार जो है कहीं ना कहीं हार रही है, तो ऐसे में क्या लगता है कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें कुछ फेरबदल होने के अनुमान है? देखिए, ये पार्टी तय करेगी कि किसको चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है। हर आदमी अपना इच्छा जाहिर करता है कि हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। 3 टर्म स्वीटी सिंह जी को टिकट मिला है। फर्स्ट टाइम 264 वोट से हार गई वो, सेकंड टाइम में 6-7 हज़ार वोट से हारी, पिछले बार जो उपचुनाव हुआ उसमें 10 हज़ार का अंतर पड़ गया। हमारे यहाँ होता क्या है ना कि जब इलेक्शन आता है तो आप मुसलमान हो जाते हैं, हम हिंदू हो जाते हैं। उससे पहले ये देखने के लिए आपको कहीं पे कुछ नहीं मिलेगा कि हिंदू मुसलमान के बीच में फ्रिक्शन भी है, बीच में मतभेद है, नहीं है। लेकिन जब चुनाव आता है ना तो उस समय क्या हो जाता है, आप मुसलमान हो जाइएगा, हम हिंदू हो जाएंगे। इसको दूर करना है हमें और इसी को हम दूर करना चाहते हैं। ये कैसे दूर होगा आप बताइए, जब भारतीय जनता पार्टी किसी एक विचारधारा पे काम कर रही है, कांग्रेस का एक अलग विचारधारा है, अब यहाँ पर तीसरा आपकी अगर बात करें तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी जो है अपना यहाँ पर एक तरह से सीट भी वो निकाल लिया, कहीं ना कहीं वो खाता खोल लिया, तो सबकी अलग अलग विचारधारा है, ऐसे में आप कैसे लोगों को समझाएंगे? देखिए, हम लोगों को ना लोक संघ ही बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लोक संघ ही के नाम से जानते हैं। अब AIMIM है, उसका फुल फॉर्म क्या है? अखिल भारतीय मुस्लिम संघ जी। तो संघ ही तो वो भी ना है, खाली हम अकेले संघी नहीं है। हमारे साथ में एक प्लस पॉइंट है कि मैं 86% लोगों की बात करता हूँ। अच्छा अच्छा, आप 16% की बात करते हैं, माफ कीजिएगा मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, AIMIM के बारे में बोल रहा हूँ, आप 16% की बात करते हैं, मैं 86% की बात करता हूँ। और जब से हमने सत्ता संभाला है मैंने 130 करोड़ हिंदुस्तानी की बात की है, कभी मैंने 86% 16% को डिवाइडेशन नहीं किया है। आज हमारे प्रधानमंत्री का जो योजना लागू हो रहा है, जो भी योजना हो, चाहे राशन मुफ्त मिलने का बात है, अभी मुफ्त अनाज मिल रही है, लॉकडाउन में सबको 500-1000 रुपया करके नीतीश कुमार जी ने सबके खातों में दिया है, गैस सिलेंडर बटा है, तो हमने मुंह देख के नहीं किया है कि मुसलमान को नहीं देना है, हिंदू को दे देना है। हमने 130 करोड़ जनता के लिए, हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता के लिए किया है। अब है क्या कि हम संघी हैं, हम मानते हैं हम संघी हैं, हम इसे कहीं एतराज भी नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक तकलीफ भी है कि हमारे जो 16% भाई है ना, उनको हमसे तोड़ा जाता है जी। उनको हमसे जुदा किया जाता है, हम हाथ फैला के उनको गला लगाना चाहते हैं। लोग बीच में कुछ हैं जो बाधा उत्पन्न करते हैं कि नहीं, वो संगी है, वो मंदिर की बात करेगा, वो तुम्हारी बात नहीं करेगा, इसलिए हमारे पास आने से वो डरते हैं। माहौल बदला है, पिछले विधानसभा चुनाव में स्वीटी सिंह जी को मुसलमान का वोट आया था, बहुत ज़्यादा नहीं आया होगा, हम 5,000 से नीचे भी नहीं आया है, 5,000 से ऊपर ही वोट आया है, तो ये बदलाव है। और इंशाल्लाह अगर आने वाला विधानसभा में हम लोग मजबूती से लड़े जी। तो हम चुनाव जीतेंगे। तो बहरहाल एक बात हम ये लेंगे कि स्वीटी सिंह लगातार वहाँ से हार रही है, फिर भी पार्टी जो है लगातार उन्हीं को अपना कैंडिडेट घोषित कर रही है, आखिर राज क्या है? नहीं, राज की कोई बात नहीं है, बात क्या है कि अच्छे नुमाइंदे की जरूरत है। सिकंदर सिंह जी की पत्नी है स्वीटी सिंह जी, आप सिकंदर सिंह जी के बारे में जानते हैं, 5 साल विधायक रहे हैं ठाकुरगंज से वो, और व्यक्तित्व से बहुत मजबूत इंसान है वो। उस इंसान को मैं बहुत करीब से जानता हूँ, हो सकता है कोई काम के लिए आप उनके पास जाएंगे ना तो उसे मैं डांट के भगा देंगे आपको, लेकिन आप जब चल जाइएगा ना तो पीछे से फोन करके आपका काम करा देंगे वो, इस टाइप के इंसान है वो। तो पार्टी, हम लोग पार्टी में नया नया जुड़े, यंग हैं, तो पार्टी को लगा कि हमारे अंदर मेच्योरिटी नहीं है, तो थोड़ा समय चाहिए था। और कोई भी पार्टी हो, अचानक से आप जाइएगा तो दूसरे पार्टी में आप पैसे के बल पे चुनाव लड़ सकते हैं, पैसे के बल पे आप टिकट ले सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में पैसे का कोई गुंजाइश नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में पैसा नहीं चलता है। आप भारतीय जनता पार्टी के कितने डिवोटी कार्यकर्ता हैं, पार्टी सिर्फ इसी चीज़ को देखती है और इसी के आधार पर फैसला करती है कि चुनाव कौन लड़ेगा। चलिए, बहरहाल किशनगंज विधानसभा की ही नहीं, हम अब किशनगंज जिला की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 4 विधानसभा है, इन विधानसभाओं में आगे चुनाव है
और चुनाव में आखिर क्या सीन होने वाला है? देखिए, हमारा गठबंधन है NDA गठबंधन के तहत यहाँ पे सीट जो भी बंटवारा होगा जी, वो जो पार्टी के आला कमान के लोग हैं वो तय करेंगे। लेकिन हम लोगों ने अपनी 2 सीट पे दावेदारी की है और मजबूत दावेदारी है हमारी, एक ठाकुरगंज विधानसभा और एक किशनगंज विधानसभा। ये दोनों सीटों पे हम लोग मजबूती से दावेदारी पेश कर रहे हैं और इंशाल्लाह अगर टिकट मिला दोनों पे तो हम लोग दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी दोनों सीट जीतेगी। बहादुरगंज और कोचाधामन, बहादुरगंज सीट में इनकम्बेंसी की भावना है, वहाँ कैंडिडेट नहीं है। अच्छा, तो हम लोगों की इच्छा है कि हम लोग नौशाद आलम साहब को बहादुरगंज शिफ्ट करें। अच्छा, जो ठाकुरगंज के मौजूदा विधायक जी हाँ, जो ठाकुरगंज के मौजूदा विधायक है। अच्छा अच्छा, 55,000 हिंदुओं का वोट है वहाँ पर और तौसीफ साहब 53-54,000 वोट ला के जीत जाते हैं, जिसमें 15-20,000 हिंदू का ही वोट रहता है क्योंकि हमारा कोई कैंडिडेट नहीं रहता है वहाँ पर। तो नौशाद आलम साहब अगर बहादुरगंज से चुनाव लड़ेंगे, मैं ये मेरी बात है जी, मैं पार्टी की तरफ से कोई बात नहीं कर रहा हूँ, अगर बहादुरगंज से नौशाद साहब चुनाव लड़ेंगे तो बहादुरगंज से चुनाव नौशाद साहब निश्चित जीतेंगे। हमारे योद्धाओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को एक अच्छा कैंडिडेट मिलेगा। कोई आदमी नौशाद साहब के ऊपर में उंगली नहीं उठा सकता, उनकी ईमानदारी पर उंगली नहीं उठा सकता, एक अच्छे सज्जन इंसान है वो। तो प्रयास हम लोगों का यही है कि हमें काहे बीजेपी का गढ़ रहा है ठाकुरगंज और बीजेपी के मैक्सिमम वोटर हैं वहाँ पर, इस बिना पर हम वहाँ की सीट का डिमांड कर रहे हैं। देना ना देना वाला कमान के हाथ की चीज़ है, लेकिन हम लोगों का डिमांड किशनगंज और ठाकुरगंज रहेगा और हम लोग सिकंदर सिंह जी को ठाकुरगंज से चुनाव लड़ाने का पूरे प्रयास में है कि सिकंदर सिंह जी को ठाकुरगंज से हम लोग चुनाव लड़ाएंगे। बहरहाल अगर हम भरदवाल जी एक बात करें कि यहाँ किशनगंज में खास करके यहाँ पर अल्पसंख्यक लोग ज़्यादा की तादाद में, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से एक ही कैंडिडेट को उतार रही है, तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर अल्पसंख्यक के ही जो लोग हैं उनके तरफ से किसी ना किसी को कैंडिडेट उतारना चाहिए? देखिए, मैं आपको पहले भी बताया कि पार्टी अपने मजबूत कार्यकर्ता पे विश्वास करती है। अल्पसंख्यक मोर्चा आज के डेट में किशनगंज में बहुत मजबूत स्थिति में है, चाहे वो कोचाधामन में हो, टेढ़ागाछ में हो, बहुत अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ हैं। और इस बार हमारी दावेदारी भी रहेगी कि पार्टी में हमें टिकट मिले, चुनाव लड़ूं, किस्मत की बात है। लेकिन पार्टी में काम करने का हमेशा से ये नियति आदमी का नहीं होना चाहिए कि मैं पार्टी में जुड़ूंगा तो मुझे टिकट ही चाहिए। तब तो जितना आदमी जुड़ेगा सब दावेदारी हो जाएगा ना, कार्यकर्ता तो कोई रहेगा नहीं। पार्टी तय करेगी कि किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। पिछले विधानसभा में भी हमारी दावेदारी रही थी, इस विधानसभा में भी दावेदारी रहेगी। देखिए, किशनगंज विधानसभा डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी और सिकंदर सिंह जी, इन दोनों का आशीर्वाद अगर रहा जी, तो मैं इंशाल्लाह चुनाव लड़ूंगा। एक बात यहाँ पर ये निकल करके आती है कि आपको चुनाव लड़ने का बिल्कुल फुल्ली मूड है, ऐसे में अगर पार्टी आपको प्रत्याशी के रूप में घोषित नहीं करती है तो उस समय आपका क्या नजरिया होगा, उस समय आपका क्या स्टैंड होगा? पिछले विधानसभा उपचुनाव में मैंने दावेदारी किया था और मैंने यही कहा था कि पार्टी का फैसला हमारे, हम लोग को भारतीय जनता पार्टी में आपने कभी नहीं देखा होगा कि बगावत हुआ है। जी जी, हमारे पार्टी में बगावत नहीं होता है, क्या हम लोग पार्टी में बागी लोग को लेते ही नहीं है। तो पार्टी टिकट देगी, चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने एक जिम्मेदारी दिया है हमको कि ये हमने आपको एक जिम्मेदारी दिया, जाइए आप उसको निभा के आइए। पार्टी जिम्मेदारी नहीं देगी, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं पार्टी का एक मामूली सा कार्यकर्ता हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पे हूँ, वहीं रहूँगा, इसी तरह से गरीबों की और पार्टी की खिदमत करता रहूँगा, सेवा करता रहूँगा। चलिए चलते चलते और एक सवाल लेंगे, बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं की, कोरोना काल में बिहार की स्वास्थ्य सेवा चरमराई हुई है, ऐसे में आपकी ही पार्टी की सरकार है, क्या कुछ कर रहा है, क्या कुछ सोचते हैं और किस नजरिए से आप इस चीज को देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा ज्ञान है, जहाँ तक मैं पढ़ाई किया हूँ, जितना जनरल नॉलेज है हमको, उस हिसाब से ना इटली वर्ल्ड में
स्वास्थ्य के मामले पे वर्ल्ड में सेकंड पोजीशन में थी। उसने भी घुटना टेक दिया था कोरोना के आगे में, हम बहुत पीछे हैं। लेकिन ये ऊपर वाले का बहुत बड़ा कर्म है कि हमारे हिंदुस्तान के लोगों का जो खान पान है ना वो कोरोना पे भारी पड़ता है। जो तेल मसाला हम लोग खा के पचा जाते हैं वो कोरोना को हजम नहीं होगा। अच्छा। स्वास्थ्य का जहाँ तक मामला है, देखिए इलाज निकला नहीं है, डेली रिसर्च हो रहा है, वैक्सीन नहीं निकला, लोग मलेरिया का दवाई खा ले रहे हैं, कुछ और खा ले रहे हैं, पारासीटामोल खा ले रहे हैं, यही सब खा के लोग ठीक हो जा रहे हैं। आप देखिएगा पेशेंट 80 आया 60 ठीक होकर चला गया। तो कोरोना का बहुत ज़्यादा मारामारी हमारे यहाँ नहीं है। मरने वालों की रेशियो देखिएगी तो आपको परसेंटेज में भी नहीं आएगा, परसेंटेज में भी मरने वाले का रेशियो नहीं है। स्वास्थ्य सुविधा की जहाँ तक बात है कि 15 साल में आप भी जानते हैं कि हम लोगों ने विकास किया है, इस चीज़ से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि हम विकास नहीं किए हैं, लेकिन अभी भी विकास बाकी है। अब 100 बेड का हॉस्पिटल है, 500 पेशेंट है, वहाँ थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, सरकार की मजबूरी को समझनी पड़ेगी, समझे, सरकार के साथ देना होगा, सरकार के साथ चलना पड़ेगा। सरकार अपने तरफ से पूरा एकदम तत्पर प्रयास कर रही है कि हर मरीज को, हर पेशेंट को। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो सरकार दावा कर रही है उसमें फेल नजर आ रहा है। नहीं, सरकार तस्वीरों में दिख रही है। सरकार फेल नहीं है, अमेरिका की जैसी कंट्री फेल हो गई, हम फेल नहीं है। हमारे यहाँ अमेरिका से कम पेशेंट है, अमेरिका हमसे बहुत विकसित कंट्री है, वहाँ पेशेंट का भरमार है, हमारे यहाँ पेशेंट नहीं होता। फेल नहीं है, और मजबूत करने की जरूरत है, फेल नहीं हुए हम लोग, आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं कोरोना से। हमारे माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज का जो COVID-19 सेंटर है आपको महेश बतना में, आप वहाँ जाके देखिए, 58 मरीज है। हम लोग कल गए थे वहाँ पर फल वितरण करने के लिए, जूस देने के लिए पेशेंटों को, जो भी लोग हैं वहाँ पे, हम लोग मुंह देख के नहीं देने गए थे कि हिंदू होंगे तभी देंगे, मुस्लिम होंगे तो नहीं देंगे। मन में सेवा भाव है, गए दिए। आप वहाँ का जाकर फैसिलिटी देखिए कि कितने अच्छे से लोगों को वहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और रखा जा रहा है। अभी तक किसी के मरने की खबर नहीं आई है। तो हम लोग प्रयासरत हैं, सरकार आपके साथ चल रही है। देखिए जरूरत क्या है ना कि सरकार की खाली खामियां को मत देखिए, कुछ खूबियां भी 15 साल में किया है उसको भी देखने की जरूरत है। सफलता विफलता सिक्के का दो पहलू है, लेकिन हम लोग विफल नहीं हुए हैं, प्रयास जारी है और हम लोग कोरोना की लड़ाई में जीत हासिल करेंगे इंशाल्लाह।